हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, मैथ चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए आज देखते हैं दूसरा सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का, उसी टाइप का, थोड़ा सा अलग हटके है। आइए सवाल को देखते हैं क्या है। सवाल पढ़ते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। हम लोग को घर और स्कूल के बीच की दूरी निकालनी है मित्र, और इसमें दोनों का चाल दिया है कि जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचता है तो वह स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह स्कूल 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन हमारा। तो इसको हम बेसिक मेथड से देख रहे हैं, बेसिकली ये कैसे बनेगा इसको देख रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए, माना कि दूरी तो मालूम नहीं है, तो माना कि दूरी ही निकालना था ना। माना कि दूरी बराबर एक्स किलोमीटर। अगर हम अमित और उसके स्कूल की दूरी एक्स किलोमीटर मान लेते हैं तो क्या हो गया, हमारा दूरी एक्स किलोमीटर हो गया। अब यह चलता है, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो स्कूल नियत समय 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहां पर एक समय निकालिए, चाल तो मालूम है आपको, तो यहां पर चाल हो गया कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। और यहां से आप एक समय दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है, यहां पर आप निकाल सकते हैं क्या समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी मालूम है आपको एक्स, और चाल मालूम है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एक समय हुआ, इस चाल से चलेगा तो यह समय जो है क्या है, नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जो वास्तविक टाइम है उससे यह समय जो है 10 मिनट पहले का समय है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर यदि हम इसमें 10 मिनट जोड़ दें तो क्या होगा, ये एक्चुअल टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये समय से जो नियत समय है उसे 10 मिनट पहले पहुंचा हुआ टाइम है, क्योंकि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चला है। और जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। इसका मतलब इस टाइम में अगर यदि हम एक्स व एक्स बटे 4 में हम 10 मिनट जोड़ दें तो 10 मिनट जोड़ने के बाद ये क्या होगा मित्र, यह हो जाएगा एक्चुअल टाइम, जो वास्तविक समय उसको जो उसके स्कूल का वास्तविक टाइम था वो मिलता। तो यहां 10 मिनट में दिया है और यहां एक्स किलोमीटर में है, यहां 4 किलोमीटर पर आवर में है। तो हम 10 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 10/60 आवर। और इसको आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा मित्र, इसको लिख सकते हैं एक्स बटे 4 + 1/6। 10 को कटाइएगा, 10 × 6 = 60। तो ये हो गया एक्चुअल टाइम, एक एक्चुअल टाइम यहां से निकला। और देखिए ये तो समय जो हमारा निकला ही, हम लोग यहां से वास्तविक समय निकाले तो x प्लस 4 में 10 मिनट जोड़ दिए। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है तो क्या होता है, नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब लिखिए देखिए दूरी तो बदलाएगा नहीं, दूरी तो आपका एक्स है, दूसरा समय निकालिएगा तो इस समय से क्या होगा, दूरी हो जाएगा एक्स और इसकी चाल कितनी है उसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर एक चाल दिया हुआ है और एक टाइम यहां मालूम है। तो आप इस स्पीड से और इस टाइम से भी समय कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऐसा होता है तो आप उसमें निकालना पड़ेगा। तो दूरी मालूम है x किलोमीटर और आपको ये तो हमें माना ही है, और चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। आप एक समय यहां से निकाल लीजिए, तो यहां पर समय निकालेंगे तो मित्र क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है x और चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये समय हो गया x बटे 3 आवर, इसको भी मान सकते हैं, इतना आवर हो गया। अब देखिए तो जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचा। इसका मतलब ये जो x बटे 3 है ये वास्तविक समय से 10 मिनट देर है ना, 10 मिनट देर से पहुंचता है, 10 मिनट देर है। अगर हम इसमें 10 मिनट घटा दें तो जो उसका सब पहुंचने का स्कूल का राइट टाइम है वो मालूम होगा। तो फिर यहां हम क्या करेंगे, x बटे 3 जो निकला इसमें हम 10 मिनट माइनस करेंगे, तो 10 मिनट को माइनस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम निकलेगा जो कि स्कूल पहुंचने का सही समय था। तो ये हो जाएगा x बटे 3 माइनस 10 मिनट होगा। तो इसको हम घंटा में बदलेंगे, आवर में चेंज करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा मित्र एक्स बाई 3 प्लस ये 10 6 = 60, तो ये हो जाएगा 1/6, हो गया ना।
तो ये एक्चुअल टाइम निकला और यहां से ये भी एक्चुअल टाइम निकला, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों तो वास्तविक समय है क्योंकि इसमें 10 मिनट पहले पहुंचा है और इसमें 10 मिनट बाद में पहुंचा है, लेकिन अगर इसमें 10 मिनट जोड़ दिए, इसमें 10 मिनट घटा दिए, तो दोनों टाइम तो हमारा सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम प्रश्न से दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यहां लिखेंगे प्रश्न से ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई फोर प्लस वन बाई सिक्स इक्वल टू, यहां से हो जाएगा एक्स बाई थ्री और प्लस वन बाई सिक्स, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे मित्र, यहां क्या होगा एक्स बाई फोर और ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल टू, इधर वन बाई सिक्स था, यहां माइनस वन बाई सिक्स था, सॉरी, तो यहां माइनस वन बाई सिक्स था, यहां क्या हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्स तो रहेगा ही, ये प्लस इस पर आके माइनस हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से फोर और थ्री का एलसीएम ट्वेल्व, फोर थ्री जाए ये हो जाएगा थ्री एक्स, माइनस चार से फोर एक्स इक्वल टू, यहां भी आप कीजिएगा तो माइनस छः घटाओ माइनस छः, सीधा इसको लिखते हैं माइनस वन बाई सिक्स इंटू टू, ये भी कर सकते हैं, दो बार है। फिर अब इसको जो आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए माइनस थ्री एक्स में फोर एक्स घटेगा तो माइनस एक्स बटे ट्वेल्व, है ना, माइनस एक्स बटे ट्वेल्व इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा, थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री। अब देखिए, अब यहाँ पे तिरछा गुना कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ये थ्री इंटू माइनस एक्स, माइनस थ्री एक्स माइनस वन इंटू ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, और देखिए ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स बराबर क्या निकलेगा ट्वेल्व बाय थ्री, थ्री फोर या ट्वेल्व, यहाँ पर एक्स का मान निकला चार किलोमीटर, और एक्स को हमने क्या माना है, एक्स को हमने दूरी माना है, इसलिए एक्स का मान चार किलोमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो कह रहा है उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी, अतः घर तथा स्कूल के बीच की दूरी बराबर चार किलोमीटर, बीच की दूरी बराबर फोर किलोमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा चार किलोमीटर। तो ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है मित्र, इसे तो कोई सवाल में खास ये नहीं है। देखिए, जब वह दूरी निकालना था और जब चार किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे से गया मतलब धीरे धीरे गया तो 10 मिनट लेट से पहुंचा। तो देखिए, मूल तो माना कि दूरी तो x मान लिए और चाल मालूम है, तो आप समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, x बटे फोर, ये तो समय निकला उसको जो लग रहा है। तो ये समय जो है वास्तविक समय से क्या है, 10 मिनट पहले है। अगर 10 मिनट पहले पहुंच गए तो 10 मिनट अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो वास्तविक समय जो स्कूल पहुंचने का वो हमको मिल गया, ठीक है। इधर से भी दूरी एक्स है और हम जा रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय ज्यादा लगेगा, तो x बटे तीन इतना समय लग गया, इतना समय लग गया, हम धीरे चल रहे थे 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो क्या हुआ 10 मिनट लेट से पहुंचे। तो अगर हम 10 मिनट इसमें माइनस कर देंगे तो ये आवर हो जाएगा, तो ये जो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, तो ये टाइम और ये टाइम स्कूल पहुंचने का सही समय मालूम हो जाएगा, दोनों को इक्वल करेंगे, यहां से आपको ये सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह करके एक्स का मान कितना निकलेगा 4 किलोमीटर, और यही हमारा उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी निकलेगा, और रिक्वायर्ड आंसर ये होगा। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सवाल में, धन्यवाद।